हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर चलती हुई लोकल ट्रेन से एक 6 साल के बच्चे ने छलांग लगा दी, मगर सही वक्त पर ड्यूटी पर तैनात MSF यानी कि महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स के जवान नीलेश भावेस्कर ने उस बच्चे को बचा लिया, वरना ये बच्चा ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में भी गिर सकता था। ये घटना मुंब्रा रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म नंबर 2 पर शाम के वक्त कल करीब 6:54 पर हुई है। मुंब्रा के अमृत नगर की रहने वाली 35 वर्षीय फातिमा अंसारी अपने 6 साल के बच्चे आफ्ताब अंसारी को साथ में लेकर मुंब्रा से मुंबई CST जाने के लिए मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर पहुंची थी। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि बच्चे का हाथ पकड़कर ये महिला रुकी हुई ट्रेन की तरफ बढ़ रही है, और रुकी हुई ट्रेन में बच्चा चढ़ जाता है और ये महिला नीचे ही रह जाती है और ट्रेन चालू हो जाती है। बच्चा ट्रेन में अपनी माँ को जब नहीं देख पाता है तो डर की वजह से चलती हुई लोकल ट्रेन से छलांग लगा देता है। गनीमत रही कि मौके पर MSF के जवान बिना वक्त गंवाए बड़े ही फुर्ती से इस बच्चे को पकड़ लिया। जिस तरह से ये बच्चा चलती हुई लोकल ट्रेन से छलांग लगाया है, इससे वो ट्रेन और प्लेटफार्म के बीच में भी गिर सकता था, जिसकी वजह से इसकी जान भी जा सकती थी। मगर गनीमत रही कि बड़ी ही बहादुरी से MSF के जवान नीलेश भावेस्कर ने इस बच्चे को बचा लिया और इसकी जान बच गई। मुंब्रा रेलवे स्टेशन पर चाहे RPF के जवान हो या फिर MSF के जवान, बड़ी ही मुस्तैदी से ये अपनी ड्यूटी करते हैं। कई बार चलती हुई लोकल ट्रेन से गिरते यात्रियों की जान बचाई है और कई बार मोबाइल चोरों को दौड़ा कर पकड़ा है। इनकी इसी तरह से कामों के लिए लोगों ने RPF और MSF के जवानों की काफ़ी सराहना भी की है। तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।